अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मजे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कल की वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है, पार्ट टू है। कई दफा दिन इतने लंबे होते हैं कि पॉसिबल नहीं होता कि एक ही दिन में पूरी रूटीन आपसे शेयर की जाए। बहुत हैक्टिक रूटीन होती है एट टाइम्स, सो दिस वॉज वन ऑफ दोज डेज। तो क्या हुआ कि मैं तो खाना बना रही थी और शहजाद ने कहा कि मिशारी को शावर दे देते हैं। तो शावर दे के उसको रेडी कर लिया अच्छे से, उसके ईयर्स वगैरह क्लीन करते हैं बच्चों के, तो बच्चों बड़ी टिकल होती है, वो सीन देखने का बड़ा मजा आता है। और वैसे भी मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया हुआ कि शहजाद की और मिशारी की वैसी ही अटैचमेंट है जैसे मेरी और तिहामी की है, या किसी भी मदर को जब अपने बच्चे को सारा टाइम वही पालती है ना, तो वही शहजाद की अटैचमेंट है। क्योंकि जब हम यहाँ पे यूएई आए थे और शहजाद 1.5 साल के लिए जॉबलेस थे, तो उस टाइम पे शहजाद ने मिशी को पाला था और ये छोटा सा था, तब से इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। And you know what to do now, yeah? Yes. What? Give Mama a nice hug and bye. Yeah. Let's go. Check kar rahi hai. Oye, kona, oye. Mera pyara, you smell so nice. Bhai, rasam hai na, aapko to pata hai na. Sweet and soft, ye rasam hai. Baaki ye rasam hai. Shahzad hamesha aise sha. Oh, did I hurt you? No. So sorry, beta. Don't pull yourself. हमेशा क्या होता है कि शहजाद जो है ना इसको शावर देते हैं और फिर कहते हैं जाके मम्मा को हग ही दो। मिशू कम जन गिफ्ट मी वेरी नाइस हग, यू कैन गिव मी वन मोर हग एंड देन यू कैन प्ले विद योर टॉयज। ओके, एक्सक्यूज मी, ये है जी मेरा HP का लैपटॉप, जो पहले वाला लैपटॉप था ये था HP पेविलियन, और ये ख़राब हो चुका है। और ये शहजाद का दोस्त है, शहजाद वहाँ पे गए हुए थे ठीक करवाने के लिए, और बस लेकिन ना उम्मीदी मिली कि इस लैपटॉप का कुछ नहीं हो सकता। लैपटॉप करने वाला हमें जो वो एक खर्चा पड़ गया। मेरे पास HP पेविलियन था, वो जिसको पूरा ऐसे फ्लिप करके फोल्ड करके यूज कर सकते हैं स्टाइलिस के साथ, तो वो हम ही के हवाले किया। तो वो कह रहे कि बहुत ज्यादा चार्जिंग की वजह से ना उसकी बैटरी का कोई इशू हो गया। इसका तो बहुत बुरा हाल है, बैटरी ऐसी फूली हुई है उसकी जो है ऐसे जैसे पता नहीं क्या उसने जूस भर दिया हो या क्या है वो, जैसे उस तरह लिटरली ऐसे हो गया वो, बड़े कॉन्स्टेंट चार्जिंग की वजह से। दूसरा जो है फिर जनाब दो तीन दफा गिरा भी है उसने, दिखाई हाँ, वो टूटा हुआ जगह जहाँ जहाँ से टूटा है और अंदर सर्किट टूटे हैं, इस वजह से जो स्विच होता है मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से वो उड़ गया है। बोलता है कि कब की बात है, मैंने कहा कल रात की बात है। बोलता है बस ये इसने बर्दाश्त कर लिया काफी हद तक जो है, इसलिए अब उड़ गया है ये। उसने कहा 200 अगर नहीं हुआ तो आपको 800 अलग या 1000 का जो है मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। इसने सब कुछ कर दिया है, उसके अंदर वैसे होता है कि कुछ शर्मिंदा कर रहे हो तुम, टूनिसियन है लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है। 2 साल पहले भी जब इसका फैन चेंज करा था गपशप हुई, सलाम दुआ हो गई अच्छी। आप इधर आए ना तशरीफ लाए, शर्मिंदा हो रहे हैं आप? शर्मिंदा क्या हो रहे हो? शर्मिंदा क्या हो मैं? कल दिया खराब क्या हो रहा है? आर यू सीरियस? कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, फेस तो दिखाओ ना, अपना फेस तो दिखाओ। छुप रहे, इसको बड़े शौक है कि इसको लैपटॉप लेके दे, तो हम कह रहे थे कि इसको लैपटॉप लेके दिया बस फिर तो बस। लेकिन अभी वैसे भी एज नहीं है, 12 इयर्स का है, इसको क्या लैपटॉप लेके दे। उसने पता है जिस टाइम पे, एक सेकंड, आपने जिस टाइम पे मुझे दिया था ना, इसको भी खराब कर दिया आपको, PSO भी खराब कर चुकिया था। किसने PSO? आप याद है उसके फॉल्ट इश्यू आ गया था, किसने खराब किया था? उसी इसीलिए कि मैं स्विच उसके बाद आपने किया था। हाँ जी देखें कारनों में तो आप लेकिन इसको मैं सही से बंद करता हूँ, लैपटॉप भी मैं सही से बंद करता हूँ। लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया कि अब जो लैपटॉप लेना है वो भी कॉमन होगा। एक्चुअली ये मेरा लैपटॉप था तो मुझे ना ज्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज्यादा हैंग होता था, तो मेरी जो क्या है एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसके लिए जरा मसला होता था। फिर इस वजह से लैपटॉप मैंने तो गेमिंग लैपटॉप ले लिया, और ये वाला जो है ना तिहामी के हवाले होता है, और कभी मैं भी यूज कर लेती हूँ या रात में मूवीज देखनी हो तो शहजाद यूज करते हैं, तो वो भी हमने इसके हवाले नहीं करना, वो भी कॉमन होगा। इसको दिया तो बस गया।
बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना तो बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कई दफ़ा पेरेंट्स को सरप्राइज कर देते हैं। तो हमें छोटी छोटी कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देते हैं, उसे पता है कि मामा बाबा मिस्टेक्स पे नहीं डांटते। मेरा और शहजाद का मानना यह है कि गलती वो होती है जो गलती से की जाती है, तो गलती पर सजा नहीं बनती। जानबूझ के की जाए तो भी पहली बार में सजा नहीं बनती है, दूसरी बार में बच्चा करे तो डांट दिया जाए, तीसरी बार में चले कुछ पनिश किया जाए, और वो भी ज़ाहिर है बच्चों को मार कुटाई तो आजकल होती भी नहीं है। बच्चों को यही है कि चलो अब आपको ये नहीं लेके देंगे, या अब आप इतने आवर्स के लिए जो है वो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो इसी तरह का किया जा सकता है। अब तिहामी तो खैर उस एज से भी निकल चुका है बहरहाल, लेकिन ये है कि तिहामी ने जिस तरह से उस चीज़ को कैजुअल लेके दिखाया है कि लैपटॉप ख़राब हो गया तो क्या हुआ, बस हो गया, तो उस वक्त तो सडन रिएक्शन मेरा शहजाद का, हम एक दूसरे पर बाद में खुश हो रहे थे कि हाँ बिल्कुल भी टाइम पर एकदम से बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, कैमरा और नो कैमरा डांटना नहीं होता बच्चे को, और ताकि बच्चा फ्रेंडली रहे हमारे साथ, उसका हमारे पे कॉन्फिडेंस रहे कि मैं आगे भी लाइफ में गलतियां वो करेगा, और गलतियां करके फिर वो छुपाने लग जाए तो अपने आप को ट्रबल में डालेगा, जो कि हमारे लिए भी बहुत हर्टफुल होगा, और उस वो पता नहीं अपने आप को कितनी मुश्किल में बच्चे डाल लें। सो बहुत ज़रूरी होता है उनको अपने साथ अटैच करके रखें। सो बस यही मकसद होता है, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम अपने बच्चों को की अच्छे से तरबियत कर सकें। चलें जी, बनाते हैं आज डेकेडेंट किस्म की ब्राउनी, बहुत ही लग्जूरियस कलर, टेस्ट और टेक्सचर। तो उसके लिए इनाफ तारीफें होगी, उसके लिए मैंने लिया है पानी, पानी में मैंने बटर डाल दिया, साथ में कोको पाउडर डाल दिया है, कोको पाउडर मैंने हाफ कप लिया है, अगर आपको थोड़ा कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, 1/4 कप डाल सकते हैं। अच्छा जी, और इसको बस मैंने इतना सा हीट किया है कि ये बटर इसके अंदर मेल्ट हो जाए, दैट्स इट। आपको इसको पकाना या बॉईल करना नहीं है, बटर मेल्ट हो जाए इसको चूल्हे से हटा दें, या मतलब फ्लेम ऑफ कर दें। कोको पाउडर वाला मिक्सचर मैंने वहीं पे पड़ा रहने दिया ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उतनी देर में हम ये बाकी तैयारी कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे 2 eggs लिए हैं मैंने, साथ में शुगर ली है और वेनिला एसेंस लिया है, इसको हम कंबाइन कर लेंगे अच्छी तरह से। शुगर इसमें डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन बस आपने इसको इस तरह करना है कि सारे अंडे अच्छी तरह से आप बीट कर लें। इसके लिए हमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक मिक्सर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राउनी केक ही सी तो चाहिए नहीं होती ना, तो इसलिए बस मिक्सिंग ही काफी है इसके लिए। अच्छा जी, ये उतनी देर में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया था, ज्यादा गर्म आपने नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा एग पक जाएगा टाइम से पहले ही। तो ऐसे नीम गर्म सा था तो मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इसको मैंने कंबाइन कर लिया है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जो क्या होता है बेकिंग सोडा और साथ में सॉल्ट। बेकिंग सोडा हम ना जब कोको पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो उस वक्त प्रेफरेंस होती है बेकिंग पाउडर की बजाय बेकिंग सोडा डालने की। कई केक्स ऐसे होते हैं ब्राउनीज जिसमें दोनों चीज़ें डलती हैं, तो ये इसमें खैर इतनी कम क्वांटिटी में कि आपको इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा बेकिंग सोडा का। अच्छा जी, बेकिंग सोडा, नमक और मैदा ये हमने डालना है और इसको हमने कंबाइन कर लेना है। अभी हमें विस्क करने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं ले लूँगी स्पैचुला और इससे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे की कोई भी किसी किस्म की लम्स ना रहे इसके अंदर। ये हमारा स्मूथ सा सिल्की सा बैटर तैयार हो गया है, अच्छी सी रिबन कंसिस्टेंसी है इसकी, थिक सी, और इसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालने आप बेशक ना डालें, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं ताकि ये मैं टॉप पे डाल दूंगी। और पैन मैंने लिया 9x11 inch, अगर आपके पास 9x13 inch है ना तो परफेक्ट ब्राउनी का जो है ना वो हाइट बनेगी, वरना कोई बात नहीं, जोन सा भी है, इवन राउंड भी है वो भी चलेगा, घर पे ही खानी होती है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए और इसको अब हम बेक कर लेंगे 30 से 35 मिनट्स के लिए। टूथपिक जब उसमें डालेंगे तो बिल्कुल क्लीन आएगी, तो ये रेडी है। अब ये थोड़ा सा बड़ा होता ना पैन तो वो फिर ब्राउनी जो है ना वो बड़े अच्छे से वो बननी थी, मुझे अच्छी लगती है ज़रा थिन सी ब्राउनी, तो ये थोड़ी सी थिक है, ऐसे समझ लें कि 1.5 inch थिक ब्राउनी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है पैन के साइज पे। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी कट करने से पहले, उतनी देर तक मैंने काउंटर्स वगैरह सारे क्लीन कर लिए। करते हुए ये देखिए, मुझे लग रहा है कि क्लोरॉक्स इस पे गिर गई थी, अब पता चले इसका मैंने धो तो लिया लेकिन पता चले कि इसके डिसकलरेशन हो गया। चलो मिशी का ये न्यू स्टाइल है, एंड मिशी शो मी हाउ यू मेक योर मूव। मिशी नो, मिशी के मैंने शर्ट टकिंग करके यहाँ तक ट्राउज़र ला दिए मैंने, और मैंने इसकी जो है वो ट्राउज़र की लेग वो एंड वाला पार्ट ऊपर तक लेके आ गया। देखें जी क्या बन गया मिशी। मिशू 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 शो द डांस, डू द डांस।
फाइनली ये शक्लें देखें शज़ाम वाली ये. हाँ जी, यू वांट टू वॉच शज़ाम और नॉट? बट इट्स टेकिंग फॉर एवर नाउ. ओके 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 चलो. All right, guys. चलो, let's finally please हम बैठ के देखें. Oh yes. आजकल वो एक मूवी आई हुई शज़ाम की कोई मूवी है, बहुत अच्छी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद रहा, लेकिन वो बच्चों वाली मूवी थी, तो वो बैठ के हम लोगों ने देखी, काफी इंजॉय किया. लेकिन मूवी से पहले मैंने इनको कहा कि चलें ब्राउनीज खाएंगे, आप मूवी इंजॉय करेंगे, चलें आप लोगों को कोल्ड कॉफी पिलाती हूँ. तो हामी को चूंकि चाय कॉफी हम लोग नहीं पिलाते ना, तो जब मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, तो उससे पूछा, वो कह रहा है जी मैं भी कॉफी पीऊंगा. तो मैंने लिया है इंस्टेंट कॉफी, नेस्कैफे गोल्ड थी मेरे पास, और साथ में ये कंडेंस्ड मिल्क है, और ये भी मैं इसमें डाल दूंगी. कंडेंस मिल्क आपके पास जोन सा भी अवेलेबल है स्वीट वाला, वो आप इसमें डाल सकते हैं. और साथ में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा दूध, और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था, नीम गर्म सा. और गर्म करने के बाद फिर आप इसे विस्क करेंगे ना, तो कॉफ़ी अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. अभी इसकी मैं फ्रॉथ बना रही हूँ, ये मैंने आइकिया से लिया हुआ है, बहुत अच्छी सी फ्रॉथ बनाता है ये. इसके अंदर अब हम डाल देंगे ढेर सारी आइस, और उसके ऊपर ठंडा ठंडा सा दूध. तो ये देखें, ये कॉफ़ी है, और कंडेंस्ड मिल्क की वजह से इसका इतना कोई मज़े का फ्लेवर बनता है कि ये लोग कह रहे थे कि ये डॉक्टर कैफ़े या फिर जो है ये स्टारबक्स वगैरह जो है ना, इनसे अच्छी कॉफ़ी है. अब आप बनाइएगा, फिर मुझे बताना कि क्या वाकई अच्छी है या नहीं अच्छी. मुझे तो बहुत मज़े की लगी. फाइनली टाइम आ गया है ब्राउनी इंजॉय करने का, और काफ़ी टाइम हो गया हमने फैमिली टाइम इस तरह से मूवी देख के हमने स्पेंड नहीं किया. हम लोग कहीं ना कहीं घूमने ले जाते हैं, और हमारी आउटिंग भी सारी बच्चों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रही होती है, जिसमें बच्चे खुश होंगे वही काम हम कर रहे होते हैं. तो लेकिन ये मूवी जो है ना, ये कहीं पर मिस हो चुकी थी. और त्यामी के एग्जाम की तैयारी वगैरह भी चल रही होती है, तो इतना बाहर जाते नहीं, तो शहजाद ने प्रोग्राम बनाया मूवी का. तो ये देखें कितनी मज़े की लग रही है ब्राउनी. बस मैं चाह रही थी कि ये डेढ़ इंच के बजाय वन इंच इसकी थिकनेस होती ना, तो बस वही काफी था. बहरहाल ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है. ये है इसका एग्जैक्ट कलर, किचन में येलो लाइट की वजह से कलर डिफरेंट नजर आता है. तो आ जाए आप भी एंजॉय करें. ये देखें जरा ब्राउनी, ओ कितनी मजे की, सॉफ्ट है, ग्लूई एंड जबरदस्त मजे की, जैसे वीडियो में नजर नहीं आती. यस, सॉफ्ट हिजाब नहीं लिया अभी. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट तो है, सही है, सॉफ्ट है, साथ में क्रंची जो हो जो है क्रस्ट, नहीं क्रस्ट नहीं है, जो ऊपर क्या है आपने चॉकलेट चॉकलेट चिप्स, वो बड़ा मजेदार यार साथ में. शायद ट्राई करें. ठहरे, मैं ग्लास सेंटर में रखूंगा, उसमें घेरा डालूंगा मैं. सॉरी दांत पे लग गया, सॉरी सॉरी, मिशी ने धक्का दिया यहाँ से. कैसी है? इट इज जबरदस्त यार, क्या ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल चुई किस्म का. ओ मिशु केम टू गिव मी हगी, सही जो है ना, चॉकलेट जो है ना मंच कर रहे हैं आप उसके अंदर, मजे का है. चलो मैं भी ट्राई कर लूं कसम से. सुपर यम्मी. चले हम एंजॉय करते हैं. ओके आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. मजा आ गया. स्ट्रॉबेरी मिल्क आई गई थी बेटू, वो कॉफी वाली मजे की आई.